नमस्कार। डीजी वर्ल्ड टीवी का यह कारवा, बोलिए पार्षद जी का कारवा, कवर्धा के वार्ड क्रमांक एक में पहुंच चुका है। इस वार्ड में हम वार्ड वासियों से जानेंगे कि 5 वर्षों में इनके पार्षद महोदय के द्वारा क्या क्या विकास कार्य किया गया और किन किन सुविधाओं से इनको वंचित रखा गया। हम पार्षद जी का नब्ज पकड़ने का प्रयास वार्ड नंबर एक के रहवासियों से करेंगे, तो आप देखते रहिए डीजी वर्ल्ड टीवी। आज हम कवर्धा के वार्ड नंबर एक रामनगर वार्ड में पहुंच चुके हैं और हम यहां जानने का प्रयास करेंगे कि यहां के पार्षद जी के द्वारा क्या क्या काम, क्या क्या विकास कार्य किया गया है और क्या क्या विकास कार्य नहीं हुआ है। हम यहां के रहवासी और यहां के रहने वाले लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि वार्ड में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं। दादाजी, आपका नाम बताएंगे? लुड़गू। अच्छा, तो आपके वार्ड में क्या क्या कार्य हुए हैं 5 सालों में? सब नाली उली बनवा दिए हवे। अच्छा, हाँ, ठीक काम करे है। तो नाली बनवाया गया है बता रहे हैं दादाजी, और कुछ समस्या आपके वार्ड में किसी प्रकार की? और कोई भी समस्या के बारे में आके एक देख करत रहते, पूछ जांच करत रहते। तो पार्षद महोदय यहाँ पर लोगों से मिलते हैं बीच बीच में आकर के? मिलते। तो जैसा कि दादाजी बता रहे हैं कि यहाँ के जो पार्षद महोदय हैं मिलनसार हैं, वार्ड में नालियों का निर्माण करवाए हैं। बहुत बहुत बताने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या काम आपके वार्ड में हुआ है। हमारे वार्ड में अभी सड़क का काम हुआ है, बिजली खंभे का काम हुआ है, और समस्या अब एक है कि जो गली में रहते हैं, अभी मैं रोड बना है और साइड वाले गली है और कंक्रीट नहीं हुआ है, और सबसे ज़्यादा समस्या है पानी निकासी का। घर के जो पानी निकलती है वो सब प्लाट में भरा भरा है, तो प्लाट वाले से हमको बोलते हैं, अब उनसे लड़ाई होता है। तो ज़्यादा जरूरी ये है कि ये निकासी, पानी का निकासी बनाएं, पानी का निकासी बहुत जरूरी है घर से। मैं रामनगर का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर एक का। वार्ड नंबर एक में जो है एक बड़ी समस्या तो यह है कि यहाँ सड़कों में नाली नहीं है, बिना नाली के अभाव में पानी निकासी के लिए कोई साधन नहीं है। पानी जहाँ चाहे वहाँ चला जाता है, पानी घर का पानी सड़कों में आता है और सड़क भी खराब होता है। एक बड़ी समस्या है तो यहाँ नाली के नहीं होना है। नंबर एक का समस्या कुछ नहीं है, बस रोड और नाली भर रहता है और जो रोड बनता है वो भी कम चौड़ा बनता है, जिसमें बस वगैरह आता है ना तो तकलीफ होता है। चौड़ी तो बहुत कम चौड़ी है और नाली, जो नाली में सब समस्या रहता ही है कि नाली नहीं बना है, कि कचरा जाम हो गया और इधर जो सीवर आता है वो भी नहीं आता है इधर। बात करते हैं और जानते हैं कि उनके वार्ड में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं। आपका नाम? कृष्ण कुमार साहू। आपके वार्ड में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? अभी रोड वगैरह, सीसी रोड का ये छोटा सा एक रोड बनाया गया है, इसके बगल में जस्ट एक नाला दिख रहा होगा यहीं पास, नाला में कोई सफाई नहीं है, सफाई यहाँ पास खराब है, अच्छे से हो नहीं पा रहा है। नाली के लिए कुछ तो बनाने के लिए चालू किया है लेकिन पूरा वो भी कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो ये नाली के लिए अच्छे से इसको कराया जाए सबसे पहले तो, और बहुत दिन से ये पेंडिंग पड़ा है ये। तो आपके वार्ड में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं 5 साल में, पार्षद महोदय द्वारा क्या क्या विकास कार्य किए गए हैं? काम तो हुआ है सर, अब देखो मतदाताओं के हिसाब से कोई भी सरकार जो है काम नहीं करा सकता। और रही बात तो वैसे रोड नाली बिजली खंभा वंभा व्यवस्था, कहीं छोटी मोटी वो जो है तो होता रहता है, बाकी ठीक है, पार्षद भी ठीक। तो चलिए दोस्तों, डीजी वर्ल्ड टीवी प्रेजेंट बोलिए पार्षद जी, बोलिए पार्षद जी पहुंच चुका है कवर्धा के वार्ड क्रमांक एक के पार्षद के पास। वार्ड क्रमांक एक का पार्षद हैं श्रीमती अनीता देवा साहू जी, इनसे हम जानेंगे कि विगत 4 वर्षों में आपने अपने वार्ड में क्या क्या विकास कार्य किए। हम इन 4 वर्षों में विद्युत पोल, सड़क नाली और तो सफाई का कार्य है वो भी चल रहे हैं, लगातार इस कार्य को कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपके वार्ड में साफ सफाई को लेकर के थोड़ी असंतुष्टता देखी गई, इसके संबंध में आप क्या क्या कहें? साफ सफाई तो महीना में, हफ्ता में हम लोग कराते हैं। पानी की निकासी जो है, नालियों का जो गंदा पानी निकलता है, उसके लिए आपने क्या व्यवस्था किया? पानी के जो गंदा पानी है उसके लिए हम कर्मचारी लोग से मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक एक के शिवाजी नगर में जब हम पहुंचे तो वहां हमको विद्युत पोल को लेकर के लोगों द्वारा शिकायत किया गया, इसके संबंध में आप क्या कहेंगे? विद्युत पोल हम बहुत से गलियों में लगवाए हैं
और जहां पर नहीं लगी है उनके लिए हम आवेदन दे चुके हैं। यदि अगर जनता आपको पुनः एक बार पार्षद के रूप में चयन करती है तो आप किस प्रकार से विकास कार्य करेंगे अपने वार्ड का बताएंगे? फिर सेवा करने का मौका देना चाह रहे हैं हमारे वार्ड वासी, तो ये तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है और हम अपने कार्य से अपनी सेवा से पीछे नहीं हटेंगे। तो हमारे बीच उपस्थित थी वार्ड क्रमांक एक की पार्षद महोदया श्रीमती अनीता देवा साहू जी, जिनसे हमने वार्ड के संबंध में चर्चा किया और अगर चार वर्षों में इनके द्वारा अगर कुछ भूल चूक हुआ होगा तो ये इसको जरूर सुधारने का प्रयास करेंगी और इन्होंने तत्पर रह करके अपने वार्ड में विकास कार्य करने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।